जब पुलिस टीम को बदमाशों ने सामने देखा तो खुद को घिरने से बचाने के लिए फायर झोंक दिया। एक बार तो पुलिस टीम के होश उड़ गए, लेकिन अगले ही पल खुद का बचाव करते हुए मोर्चा संभाल लिया और फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका थर्रा उठा। इस मुठभेड़ में पुलिस ने चार बदमाशों को न सिर्फ धर दबोचा बल्कि असलहा, कारतूस, धारदार हथियार समेत पूर्व में डाली गई डकैती का माल भी बरामद किया। ये मुठभेड़ बिस्सों कोतवाली इलाके में जलालपुर के करीब मजार के पास हुई। कोतवाली प्रभारी बिस्वा राजीव सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक शशांक पांडे, हेड कॉन्स्टेबल विजय यादव, ब्रजेश यादव, आरक्षी अभिषेक सिंह व रत्नेश वर्मा ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान दुर्दांत अपराधी योगेंद्र लोनिया व धर्मेश्वर निवासी गढ़ नरेंद्रपुर थाना सदरपुर और रंजीत पासी व गया प्रसाद उर्फ टिल्लू निवासी गढ़ बालाघाट दक्षिणपुरवा थाना बिश्वा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से दो तमंचा, चार कारतूस, दो चाकू और पूर्व में डाली गई डकैती में संबंधित सोने व चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। सीओ बिश्वा के मुताबिक योगेंद्र लोनिया पर विभिन्न थानों में एक गंभीर अपराधों के एक दर्जन अभियोग अपंजीकृत हैं। सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 7 दिसंबर को थाना बिस्वा पुलिस टीम द्वारा चोरी एवं नकदी के अपराधों में संलिप्त रहे चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इनके पास से थाना बिस्वा एवं लहरपुर पर पंजीकृत अभियोगों से संबंधित करीब 2.5 लाख रुपये के जेवरात, 10,000 रुपये नकद, दो तमंचा, 5 कारतूस व 2 चाकू बरामद हुए हैं। इन गिरफ्तार अभियुक्तों से हुई पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा करीब 1 हफ्ता पूर्व कस्बा बिस्वा में और करीब 2 महीना पूर्व कस्बा लहरपुर में इस प्रकार की घटनाएं कारित की गई थीं। उपरोक्त अभियुक्तगण शातिर एवं अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं। इनके द्वारा जनपद सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं आसपास के अन्य जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं कारित किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इन सभी के विरुद्ध शीघ्र ही नियमानुसार कृतर वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।